अमरोहा में शिक्षक विधायक ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से की मुलाकात, विभिन्न समस्याओं पर की चर्चा। अमरोहा में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जताई नाराजगी। रायबरेली में सड़क किनारे पड़ा मिला नवजात शिशु, इलाके में फैली सनसनी। प्रतापगढ़ में कांग्रेस स्थापना दिवस पर विधायक और सांसद ने किया झंडारोहण, कांग्रेसियों में दिखा जश्न का माहौल। अमरोहा में नगर पालिका कर्मियों ने दी श्रद्धांजलि, मृत अधिशासी अधिकारी के लिए किया मौन धारण। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बिरजेश कुमार के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने मृत अधिशासी अधिकारी लिपिक और चालक के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और श्रद्धांजलि दी। बता दें, इन तीनों का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए नगर पालिका परिषद अमरोहा के प्रांगण में मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रायबरेली में गोवंश ठंड और भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। मामला महराजगंज तहसील क्षेत्र के बल्ला स्थित गौशाला का है, जहां पर लगभग 1 महीने से चारे और भूसे के अभाव में ठंड से बेजुबान गौवंश तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं भूखे की किल्लत के चलते गौवंशों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। 5 गौवंश गौशाला में बेसुध पड़े देखे गए हैं। मामले में गौवंशों की सेवा में लगे कर्मचारियों ने बताया कि भूसा समाप्त हो गया है, जिसकी कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन भूसे का प्रबंध नहीं हो सका है। यही स्थिति रही तो गौवंशों की जान बचाने के लिए उन्हें गौवंशों को खुला छोड़ना पड़ेगा। समस्या है यहाँ पे, समस्या है, चारा भूसा नहीं आ रहा, गाय मर रही है, गाय मर रही है। कितने दिन से चारा भूसा नहीं है? अरे 1 महीना हो गई, वही कम कम पड़ा था, आधा आधा पेट। लगभग कितनी गाय मर चुकी होंगी अब तक? ज्यादा मर गई। फिर भी अरे अब कत्ती बता दी, काफी जितनी मरी हो उतनी बताइए ना, लगभग कितनी मरी? 10-20 एक दिन में कितने जानवर लगभग मरते हैं? 5-6। अच्छा, ये सिलसिला जारी। कितने दिन से? अरे यही 4-5 महीना। तनख्वाह आप लोगों की? तनख्वाह 3 महीना नहीं आई, 4th महीना लागू। कैसे आप लोगों ने शिकायत नहीं किया? शिकायत किया, कोई सुनवाई? आज कहाँ पर है हम लोग? बल्ला ग्राम सभा गौशाला। अच्छा, गौशाला में जी। क्या यहाँ की समस्या है? गाय कैसे मूर्छित पड़ी हुई है? भूखन मर रही है, चारा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। कितने दिनों से चारा नहीं आया? चारा महीनन बीत गए, वही कहीं कहीं 1 दिन में 2 हफ्ता 10 दिन में एक गाड़ी आ जाती उल्टे सीधे। उस दिन कहीं चलाए रहो तो उसे कहाँ देख चले। भूखन मर रहे, हमारे लोग तनख्वाह भी नहीं मिल रही। अभी तक गाय यहाँ पर मरी है? हाँ मरी तो है, लेकिन बेच बेच मरती रही, समय ज्यादा थोड़ा मर रही है। अच्छा, और ठंडी भी खा रही है इसीलिए मर रही है। कोई उच्च अधिकारी को पता है सब? किसी को नहीं पता। अब हम लोग, नाम क्या है आपका? सुजीत। कहाँ पे हैं आप इस समय? इसमें हम बावन गुरु बल्ला गौशाला पूरे जमादार। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये है, चारा मतलब आ नहीं रहा यहाँ। कितने दिन से चारा नहीं? मतलब चारा आ रहा था, लेकिन इस समय संचालक जी मना कर दिया है, चारा का पैसा हमारे पास नहीं है। अब चारा का पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है, हम खिला नहीं पाएंगे चारा। मतलब कौन है इसके संचालक? इसके संचालक है संदीप जैन। कहाँ के हैं? जगतपुर। आपने किसी से बताया, कोई उच्च अधिकारी भेजा कि यहाँ कोई आया? जी यहाँ कोई नहीं आया। और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं है, तनख्वाह नहीं है, 4 महीना हो चुके हैं। अलीगढ़ में थाना क्वारसे क्षेत्र के इस्लाम नगर में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है और घर में रखे लाखों के सामान, सोने चांदी के जेवरातों के साथ चोर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए मकान के मालिक ने बताया कि वह बीते दिन परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और अपने मकान को पूरी सेफ्टी करते हुए बंद करके गए थे, लेकिन जब वह घर वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए दिखे।
जिसके बाद उनके होश उड़ गए। मामले को लेकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें चोरों को सामान ले जाते हुए पहचान कर ली गई है और पूरे मामले को लेकर तहरीर देते हुए इलाका पुलिस को अवगत करवा दिया गया है। क्या नाम है और क्या मामला हुआ है? मेरा सर तौसीफ नाम है, अलवरकात के पीछे बरकाती मस्जिद इस्लाम नगर के पास चोरी हो चुकी है सर। आज दिन चोरी होती रहती है, वहाँ पर गांजे वाले भी रहते हैं, सब चीज़ रहते हैं वहाँ। आज दिन चोरी रहती है, होती रहती है। मतलब हम 23 तारीख को गए थे शादी में और 24 की रात को ही वो हो गई थी चोरी। हमने आके देखा था, वहाँ पर भीड़ भक्कड़ हो गई थी, हम देखने गए थे क्या चीज़ है, तो वहाँ पर पता लगा वहाँ ताली टूटा पड़ा था, पूरी झाड़ू सी मरी लगी थी हमारे घर पर, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा वो हो चुके थे घर पर। लगभग कितने का नुकसान हुआ? वो सर 10-12 लाख की चोरी है, और ज़्यादा ही होगी, मैं तो कम ही बता रहा हूँ, 10-12 लाख की है। क्या नाम है? मेरा नाम आस मोहम्मद है और अलबरकात के पीछे मेरा घर है, बरकाती मस्जिद इस्लाम नगर, और थाना कुआर से पड़ता है, चौकी पटवारी निकला है, और हमने थाने में कोई FIR भी दी है, तो मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आज आला टाली दे रहे हैं, फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, और सारा सामान ले गए दहेज का निकाल के, मेरे का शादी हुई थी मेरी, सारा सामान ले गए दहेज का निकाल के। कौन ले गए? चोर। तो किसी पे शक है? हाँ हमें शक है, हमारे अरीब करीब में कोई है जिस पर शक है, हमें पूरा शक है, उस पर वीडियो भी है। अमरोहा में बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो और स्नातक MLC जयपाल सिंह व्यस्त ने किसान शिक्षकों और जनमानस की समस्याओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सिंह से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने शिक्षकों के लंबित एरियर मूल्यांक के अवशेष देयकों के भुगतान का भी मुद्दा उठाया। खुले पशुओं की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से भी मुलाकात की। इसके साथ जिले में टीम गठित कर क्षेत्र में घूम रहे छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजने की मांग की। अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं किसानों और लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, वह जनता तक सीधे नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है बहुत चिकनी रोड बना दी, परंतु उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि अब किसान रात की ऐसी ठंड में भी अपनी लाठी और रजाई लेके खेत में अपने खेत को रखाने के लिए पड़ा है। गोवंशीय पशु और छुट्टा पशु सरकार का सिरदर्द बन गए हैं और किसान के लिए तो ये एक बहुत बड़ी शैतान बन गए हैं, उसकी फसल को चौपट कर दिया है। सरकार जल्द यदि नहीं चेती तो संगठन मजबूर होगा इन आवारा पशुओं को, गोवंशीय पशुओं को। या औरैया में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को तमंचे के बल पर लूट लिया। बता दें कि व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 6 लाख लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं सराफा व्यापारी ने जब रुपए और बैग में रखे जेवरात को देने से मना किया तो बदमाशों ने तमंचे की सिर में बट मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद घायल हुए व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही पुलिस ने जल्द मामले के खुलासे की बात कही है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जा रही टैक्सी और गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। तो वहीं हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, मगर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक टैक्सी में अकेला ड्राइवर था, तो वहीं दूसरी गाड़ी में 5 लोग सवार थे और दारू के नशे में धुत थे। नशे की हालत में गाड़ी टैक्सी में टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 लोग फरार हैं और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद में पीआरओ पर महिला मित्र ने शादी ना करने पर रेप करने का आरोप लगाया और वहीं दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महिला के मुताबिक दरोगा अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर महिला का शारीरिक शोषण करता था, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली में एक मां ने ममता को शर्मसार करते हुए अपने 2 दिन के बच्चे को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना बधोखर थाना क्षेत्र के बहटा पुल के पास की है, जहां सड़क किनारे लावारिश हाल में कपड़े में लिपटा हुआ 2 दिन का नवजात शिशु मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर शिशु को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं शिशु की हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे कपड़े में लपेटकर बच्चे को रखा गया था, तभी राहगीर जितेंद्र कुमार यादव की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। ये क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला हुआ यहाँ पे? रघुनाथपुर कटैली हमारा गांव है। हम सुबह यहाँ पे जब जॉगिंग के लिए आए तो देखा कि जो है 2-4 लोग इकट्ठे हुए रहे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बताया गया किसी नवजात बच्चे को किसी ने फेंक के चले गए। तो हमने जो है अपना स्वेटर उठा दिया है, उसको सुरक्षित कर दिया है। बाकी अब प्रशासन को और सबको इतला कर दिया गया है, सब लोग आ रहे हैं और उसको हॉस्पिटल पहुँचाने काम कर रहे हैं। भाई अपना पर्चे दे दिए। हम सतीश यादव ग्राम प्रधान रघुनाथपुर कटेली से। क्या मामला हुआ यहाँ पे अभी? कोई बच्चा छोड़ के चला गया है, बेटी है। अभी मौके पे हम आए हैं इंसिडेंट से। प्रशासन को इतला किया हमने। डॉक्टर साहब क्या पर्चे है? डॉक्टर साहब अभी एक नवजात बच्ची आई, क्या अभी एक अज्ञात नवजात बच्ची लाए हैं, हाइपोथर्मिया और एस्फिक्सिया उसमें लग रहा था, उसको एडमिट किया गया है। और कुछ ग्रामीणों और बधोकर थाना की कॉन्स्टेबल्स ने उसको लेके आए थे यहाँ पे, तो उसकी हालत गड़बड़ लग रही थी, एडमिट किया गया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेसीगढ़ कहे जाने वाले विधानसभा क्षेत्र रामपुर में खास जश्न का माहौल दिखा। तो वहीं संग्रामगढ़ में क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना ने पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और विधायक मोना ने पार्टी के झंडे को सलामी भी दी। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि आजादी के मूल्यों से लेकर देश के आधुनिक विकास की संरक्षा करने में सिर्फ कांग्रेस की नीतियां ही देश को मजबूत बनाने में समर्थ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां देश के संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए भाजपा की तानाशाही से संघर्ष कर रही है, वहीं पार्टी किसानों, महिलाओं और युवाओं के साथ भी सरकारी दमन एवं महंगाई तथा बेरोजगारी को लेकर संघर्ष की आवाज भी बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर जानना तो इस देश के जंगे आजादी का इतिहास पढ़ लीजिए, वही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस के झंडे के नीचे त्याग और बलिदान करके, संघर्ष करके अंग्रेजों को गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तमाम नेताओं के कुर्बानियों और बलिदान के बाद यह आज़ादी हमें मिली है। ऐसे मौके पर यह आज़ादी इसलिए मिली थी कि उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बटे थे, गांधी जी ने सबको एक किया। तो आज भी वक्त की आवश्यकता है सबको एक कर लिया जाए, अगर सब एक हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।